स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। जय माता दी। और मैं दोपहर से अपना वीडियो आज शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ी काम में लगी थी और टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी से मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। और घर का तो लगभग काम हो गया है मेरा, बस पोछा लगाना है। तो पोछा लगा के रूम, इस रूम में तो लगा दी पोछा। और थोड़ा लेट हो गया इसलिए क्योंकि मेरी भाभी का फ़ोन आ गया, हम लोग एक घंटा से बात कर रहे थे तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया। भाभी को टुकू का देखी ना वो हाथ, तो इसलिए वो फ़ोन की थी जो कैसे क्या हो गया। और ये कपड़े सब मैं रात में ही धोई थी तो सारा फैला दी हूँ नीचे अभी धूप में। जो हम लोग खाना जिस पे बैठ कर खाते हैं वो मैट, जो बाथरूम के पास, दोनों रूम के बाथरूम के पास मैट रखी हुई, ये सब सारा सब कुछ मैं रात में ही धो रही थी शाम में। चलिए उस सबको खिला दी हूँ और कुछ पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद पति देव भी आ गए नीचे से, तो थोड़ा मैं चाय बना के पहले पी लेती हूँ। और आज मैं फिर से आ गया हूँ, ये देखिए दरात। और ये कसरी कल जो है ना ये भी ले आया हूँ, देखिए इससे नाली बनाना है। यहाँ पानी जो जा रहा ना तो थोड़ा रास्ते पे आ जाता है, कीचड़ हो जाती है तो गिरने उड़ने का डर होता है, तो नाली भी यहाँ किनारे से, ये देखिए किनारे किनारे ये नाली है, तो घास अभी थोड़ी थोड़ी साफ इधर करेंगे, इधर ज़्यादा नहीं करना है ये खुद गल जाएगी, तो नाली कर लेंगे। और ये जो ये सब झाड़ी है ना ये आगे तक, तो इसको कर रहते हैं, इसमें बस 10 मिनट लगेगा, आज उतना समय नहीं लगेगा। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ काम। और नहीं तो चाय के लिए कर रहे थे, मैं बोला कि नहीं काम कर लेते पहले, तब तो थोड़ा पसीना भी सुखाएंगे, आराम भी करेंगे, तब वहीं पे चाय पियेंगे फिर स्नान ध्यान कर लेंगे। नहीं तो भी फावड़ा कुदाल से थोड़ा साफ की है और मैं यहाँ से नीचे तक कर दिया साफ दोनों साइड, नाली भी है। चलिए इतना ही में तो पसीना पसीना हो गया, चलते अब चाय पियेंगे आराम से बैठ के, तब स्नान ध्यान किया जाएगा। चलिए हो गया साफ। ये वाला नहीं छुए, ये वाला बहुत खतरनाक होता, बिच्छू उठिए पर लगता है एकदम हाथ में पैर में। चलिए इसको इधर हो गया, चलिए। और नहीं तो यहाँ नीचे से पूरे बरामदे में भी पूरा पोछा लगा कंप्लीट की है। चलिए अब चलते हैं, इसको भी यहीं रखते हैं। और हर्ष का आज बैंडेज हटाए थे पूरा पट्टी, घाव तो सूखी है, नदी भी है, उसमें केवल दवा लगा दिए हैं, पट्टी निकल चूँकि हवा लगेगी तो सूखेगा। और ये अंगूठा टेढ़ा है पूरा एकदम, देखिए इस साइड से पूरा निशान एकदम पूरा, पूरी अंगुली ये कट जाती है, बच गया। यहाँ से इसका पूरा सूजन था बहुत मोटा। आगे ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, ये उंगली इसकी सीधी नहीं हो रही ना, दिक्कत तो ये है। दिवाली के बाद ले चलते हैं तब एक्सरे करवा देंगे। अब तू क्या कर रहा, टीवी देख रहा है, दोनों पढ़ाई लिखाई होगा ये। चलो तो हम सभी के जूते जो पहनते हैं ये सब साफ कर दिए, चप्पल से भी साफ कर लिए और खुद पी रही है अब चाय। और मैं धूप में इसको फैलाया तो सूखेगा नहीं तो फिर मशीन नीचे प्लांट में वहाँ रख देंगे, हवा से सूख जाएगी। चलिए पहले फटाक से इसको फैला देते तो पानी कम से कम चू जाए, नीचे गिर जाए। नीतू तो आ गई नहा धो के, पूजा की तैयारी करी है। और मैं जा रहा हूँ आज आर ओ के फिल्टर की सफाई करने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है मिट्टी की वजह से, तो पानी आता है खड्ड से ना, बहुत गंदा होता है। दिखाते हैं, देखिए कितना काला पड़ा हुआ है, पानी भी एकदम कचरा कचरा कचरा। इसमें अंगुली से करेंगे ना, ये देखिए कितना, चूंकि लसल साफ हर महीने इसको साफ करते हुए, इससे पुराना है ये, तभी दो चार दिन के बाद अब ऑनलाइन मंगाएंगे इसका फिल्टर। चल पहले इसको सफाई कर लें तब फिर दिखाते हैं। और देखिए ये अभी
सबको अच्छे से साफ कर दिए हैं एकदम। फिर इसको इसमें नया नवंबर में इसको बदल ही देते हैं, फर्स्ट वीक तक जब ही आ जाएगा ना सामान फिल्टर तो बदल देंगे इसको, गर्म पानी से भी अच्छा से कर दिए। चलिए अब पानी भी अच्छा आएगा और मैं भी पूजा कर लिया नहाने के बाद, शेविंग बना लिए थे और अब बच्चे तो खाना खा लिए हैं, मेरा भी खाना निकल गया है। चलिए अब खाते हैं, सिंपल है, चिप्स है और आलू पर सब्जी चावल, फिर उसके बाद जाएंगे अब नीचे और भी काम है, चलो फटाफट खाते हैं। और खाना तो हम लोगों का हो गया और अब जा रही हूँ मैं थोड़ी देर धूप में, थोड़ी देर 5 मिनट धूप में रहूँगी क्योंकि आज लेट से थोड़ा बाल धो के नहाई की ठंड लग रही है, और नीचे से कपड़े लेते आऊँगी क्योंकि अब 5-10 मिनट में धूप चली जाएगी इधर से। और बच्चे गए नीचे फूल लाने के लिए क्योंकि माला बनाना है, माला क्या लड़ी बनानी है गेट तोरण के लिए, तोरण के लिए, तो वही बनाऊंगी। पहले जा रही हूँ किचन का काम निपटा लूँ, किचन का कपड़ा दी हूँ मैं गर्म पानी में साफ करने के लिए, बर्तन धोना है, ये सब काम करना है। आज आया है ये अमेजोन से सूट, इन्होंने ऑर्डर किया है दीपावली के क्योंकि इनको ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो प्योर कॉटन है, हाँ कॉटन है ये बिल्कुल, तो ये इनको पसंद है ब्लू कलर, तो ये देख रहे थे तो ये कह रहे थे मुझे अच्छा लग रहा है तो ऑर्डर कर देता हूँ मैं। तो वैसे तो मैं दीपावली में साड़ी, बनारसी साड़ी पहन के ही पूजा करती हूँ, तो वही पहन के पूजा करूंगी, तो ये सुबह सुबह मैं पहन लूंगी, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। तो ये सूट ये मंगा दिए दीपावली में, इनको ब्लू कलर बहुत पसंद आता है, कोई भी चीज़ खरीदो ब्लू कलर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो ब्लू कलर ले लो, तो इसीलिए। तो चलिए वैसे तो बहुत अच्छा है, जैसे प्राइस है जिस हिसाब से उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ दुपट्टा भी है, 3 का कॉम्बो है, दुपट्टा प्लाजो और सूट। इसको मैं रख देती हूँ। सस्ती आ गया फूल तोड़ने के लिए, माला और लड़ी बनाएंगे सजावट के लिए, उसके लिए तोड़ने के लिए आ गया है, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। बड़े वाले फूल से तोड़ो, ऐसे करके तोड़ो, खींचना मत, ऐसे ऐसे तोड़ देखो, ये कितना अच्छा है फूल। और लरी में लगाने के लिए ग्रीन वाले पत्ते इसका है, ये वाला तोड़ लिए हैं जो उसमें डालने में अच्छा लगता है, चलेगा। और हेल्प करना, रेड वाले अलग कर लेना, येलो वाले अलग, बवा को भी बोलना अलग अलग कर दे, मम्मी गूंथ लेगी, ठीक है। हाथ से पकड़, हाथ से गिर जाएगा फिर वो, हाथ पकड़ के ले जाओ। और ये देखिए बच्चे नीचे से इतना सारा फूल लेके आ गए हैं, और ये पत्ते, यहाँ तो आम का पौधा है नहीं तो पता नहीं इसको कौन सा पत्ता कहते हैं, पर यहाँ पे ये शुभ माना जाता है, जैसे हमारे इधर आम का पत्ता शुभ माना जाता है, इधर ऐसे इस पत्ते को शुभ माना जाता है। तो मैं यही डाल के तोरण बना दे रही हूँ, एक तो बना के ऊपर वो लगा भी थी और ये साइड साइड में अब कर रही हूँ क्योंकि फिर कल बहुत सारा काम हो जाता है, दिवाली तक तो कोई काम खत्म ही नहीं होता, जो अकेला है ना उसके लिए तो और भी काम है, सारा काम अकेले करना, खाना बनाना, घर का साफ सफाई करना, ये सब भी करना, सब कुछ है। ससी के पापा थोड़ा हेल्प कर देते हैं, जैसे अभी वो ड्यूटी नहीं जाते तो थोड़ा बहुत हेल्प वो कर देते माला उला बनाने में, पर उनकी भी ड्यूटी है तो वो क्या करे, अब रात को वो 8 बजे आएंगे, लेट भी आएंगे, क्या करेंगे फिर, कब वो बनाएंगे, तो इसलिए मैं अभी बैठे बैठे जितना हो सकेगा मैं बना लूँगी। और नीतू पूरे ये खिल रही फूल के तैयार करके गेट पे लगा दी है, कितना अच्छा लग रहा है, किचन के भी गेट पे लगी है, कितना सुंदर लग रहा है, बन गया सारा। हाँ, मंदिर पे भी लग गया। अच्छा, मंदिर पे भी हो गया, नीचे मंदिर के लिए भी बना दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, और नीचे प्लांट के लिए। और इस मंदिर में तो अब सिर्फ लाइट लगाने के लिए रह गया है, तो ये आ गए ड्यूटी से तो ये लाइट लगा देंगे, और मैं इधर में तब तक बच्चों के लिए खाना दे दो, बच्चों को बना के, बच्चे भी क्योंकि आ गए हैं
और आज भी पूरा दिन काम काम में निकल गया। मैं 4 बजे से जो लगी बनाने में, माला 8 बजे तक बना ली। काम खत्म है फिर। काम क्या खत्म है, कल भी आज भी सारा हो गया। वो तो हो गया, फिर भी कल भी, कल इस समय बहुत ज्यादा समय लगता है माला वगैरह। समय पूरा 3:30 से लगी मैं बैठी हूँ, 8 बजे उठी हूँ बनाते बनाते, क्योंकि बहुत सारा माला बना है। तो चलिए मैं दे देती हूँ बच्चों को अब खाने के लिए। और आज कब आप लोगों को छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों ही झा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सभी पे अपना कृपा बनाए रखे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।